Hello everyone, so welcome to your own channel, that is Mathematics by Rumina. I hope you all must be very well. आप लोग सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज की वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है बच्चा. आई वॉज नॉट वेल तो मैं नहीं बना पाया वीडियो. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम एक्सपीरियंस, बट नाउ द वीडियो इज ऑन द टाइम. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रॉक. सो डोंट वरी सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है. आज मैं लाई हूँ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट सेकंड. मैं आपको ऑलरेडी पार्ट वन करवा चुकी हूँ विद अ डीप इंट्रोडक्शन, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था. आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे. एंड प्लीज गाइज कीप सपोर्टिंग मी जैसे आप सपोर्ट कर रहे थे. सॉरी फॉर द लेट ड्यू टू नॉट बींग हेल्दी. मैं थोड़े से बीमार थी इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई. बट स्टे ट्यून एज दिस चैनल विल गोइंग टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट वीडियोज ऑफ योर गवर्नमेंट एग्जाम एक्सपीरियंस. आज हम एक और अच्छी ट्रिक करेंगे. आज मैं आपको एक बहुत अच्छी टेबल भी देने वाली हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लैरिफाई होंगे. सो नाउ लेट्स लुक एट आवर ट्रिप. अपनी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं. ठीक है, सॉरी मैं आगे चली गई थोड़ी सी. सो ये है मेरे पास मेरी प्रॉपर एक ट्रिक. दैट इज यहाँ पे मैंने अपने रेट्स डिफाइन कर दिए कि अगर रेट्स होंगे, एंड दिस इज ट्रिक इन इज ओनली फॉर 2 years. ओके ना, इट इज ओनली एप्लीकेबल एट 2 years. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 years तब हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं. ठीक है, सो नाउ वेन द रेट इज 5% तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना है, दैट इज 10.25. अभी कैसे आया इसके लिए बच्चे, वी विल गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला. एंड दैट फॉर्मूला इज, आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला इट ओवर हियर, दैट इज योर इफेक्टिव. हमारे जो फॉर्मूले का नाम था, दैट फॉर्मूले का जो हमारा नेम था, दैट फॉर्मूले का नेम इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है. एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100. ठीक है बच्चा, तो ये होता है हमारे पास हमारा फॉर्मूला. वेन योर एक्स इज द रेट एट रेट ऑफ फर्स्ट ईयर. Your y is the rate of second year, बेटा rate of second year. ठीक है, तो बस ये हमारे पास हमारा formula हो जाएगा जब हमारे पास effective rate of interest होगा, that is x plus y plus xy upon 100. लेकिन अगर हमारे पास जो rate हो वो दोनों साल का same हो तो क्या होता है, जब वो दोनों साल का same होगा तो वो मैं आपको बताती हूँ, वो हम direct compound interest निकालने में use कर सकते हैं. That is your 2x plus x square upon 100 का परसेंट. ठीक है ना, तो इससे आप इजिली अपना परसेंट निकाल सकते हो. जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने निकाला हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना. जैसे आपको 5 इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर 2 years, 5 इंटरेस्ट है फॉर 2 years, तो हम क्या करेंगे, दैट इज 2 into 5, दैट इज योर 10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 अपॉन 100, सो दैट इज योर 10.25. बस एड कर दिया मैंने इनको. ठीक है ना, तो बहुत इजिली निकल जाता है यहां से इस फॉर्मूले के यूज से. आप इस फॉर्मूले को यूज कर दो इफ यू वॉन्ट. आप यहां पर यह फॉर्मूला लिख सकते हो. जस्ट वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला लिखना, तो ये वाला एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%. ये वाला फॉर्मूला इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 2x इंटू परसेंट. ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. एंड अगर हमें डिफरेंस निकालना हो डायरेक्टली तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. तो क्या आएगा यहां से मेरे पास मेरा फॉर्मूला, दैट इज योर एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इनका परसेंट. ये होता है हमारे पास हमारा डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू सिंपल इंटरेस्ट. आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये सारा याद ना करना हो, वरना सारा एक बार ना थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो, पेपर में सारी वैल्यूज खुद पे खुद याद आ जाएगी, आपको डाउट नहीं होगा. तो वेन योर रेट इज 5% तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 10.25. सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है, 2 into x, दैट इज 10%, और इन दोनों को माइनस करेंगे, दैट इज 0.25%. ये डायरेक्ट आ जाएगा. ठीक है, एंड ऐसे अगर हम देखते हैं तो 10% का होगा 21%. डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करना, 21% अपने आप आ जाएगा. ठीक है, ऐसे इसका 2 into 10, 20%, एंड यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया 1%. ऐसे फॉर 15%, फॉर 20%, 25% एंड 30%. इसे आप पूरा लर्न कर लो. ठीक है ना बच्चे, लर्न इट. अब पूछोगे दीदी सी लर्न करने की ट्रिक क्या है, लर्न करने की ट्रिक सिर्फ एक ही है बच्चा, कि कीप इन फॉर्म. अगर कुछ भी याद ना हो ना तो इन फॉर्मूलों की हेल्प लो. जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के अंदर पेपर के अंदर रख देना, आंसर आ जाएगा. बट पेपर में हमें, आपको पता है कि हमें हर चीज 3 to 4 सेकंड में सॉल्व करनी है,
जब हमें इतनी जल्दी सॉल्व करनी है सो वी शुड नो एटलीस्ट सम ऑफ द वैल्यूज, ठीक है ना बच्चा। सो ये आप लर्न कर लेना प्लीज, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो आप ये लर्न, जैसे कि आप 10%, 20%, 30% एंड आई वुड एडवाइज कि 15 और ये पांचों तो कर लेना, 25% छोड़ना है तो छोड़ देना, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। इफ इन 2 ईयर्स, मैंने सारे इसके जो क्वेश्चन लिया 2 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट में आप 3 ईयर्स के भी लेंगे, ठीक है। सो इफ इन 2 ईयर्स रेट इज इक्वल टू 30% एंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹81, फाइंड द प्रिंसिपल। हमें डिफरेंस दिया हुआ है, ये डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 81 है। तो बच्चे जब हमारे पास 30 ईयर्स है, तो देखो एक बार शीट को चेंज किया, 30 ईयर्स पे हमारे पास डिफरेंस कितना था, 9% था। तो बस डायरेक्टली आ गया यहां से दैट 9% विल टेंड्स टू 81। सो 1% विल गिव यू 81/9, दैट इज 1% कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहां से, 1% की हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर 9, है ना, ये आ जाएगी, दैट इज 9 आ जाएगी। सो 100% विल बी इक्वल टू योर 900 एंड दिस विल बी योर प्रिंसिपल। बच्चा दिस विल बी माई प्रिंसिपल जो हमें निकालना था एंड आई गॉट माई आंसर, ये मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल। सो बस इतना सा था, ये था ना 3 सेकंड का क्वेश्चन, हो गया 3 सेकंड में सॉल्व। यस, लगा दो तारे जितने भी लगा सकते हो। बच्चा दिस क्वेश्चन वॉज इन SSC मेंस 2017, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट यस दीदी ने क्वेश्चन भी वो उठाया जो पेपर में आया हुआ है, बिकॉज पढ़ो वो जो पेपर में आता है, ना आगे का ना पीछे का, ठीक है ना। हमारा मेन एम क्या है कि हमें पेपर क्लियर करना है, हमें मैथ्स में जीनियस नहीं बनना है, हमें सिर्फ पेपर क्लियर करना है। सो ए इन्वेस्टेड, ए कोई भी पर्सन था उसने इन्वेस्ट किया कोई अमाउंट, ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज ऑफ एक्स रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स, हम 2 ईयर्स की बात करें, विच गिव 5% इंटरेस्ट इन 1 ईयर एंड 6% इंटरेस्ट इन 2nd ईयर। द अमाउंट रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स इज 24486, वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चे देखो अभी तक जो हमने पढ़ा ना उसमें दोनों हमारे पास क्या थे, दोनों साल का जो रेट था वो हम बार सेम था, यहाँ पे सेम था, इस टेबल में भी मैंने हर बार क्या किया सेम रेट ले लिया, अब हमारे पास जो रेट है वो अलग आ गया। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, दैट इज योर जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। तो हमारे पास यहां से अपना इफेक्टिव आ जाएगा, सो इफेक्टिव रेट जल्दी से निकाल दो, दैट इज 5 + 6 प्लस 5 × 6 अपॉन 100, कितना आ जाएगा बेटा, 5 + 6 विल गिव यू 11 एंड 11 और यहां से 30 तो 0.3, सो दैट इज 11.3, ठीक है ना। क्या आएगा यहां से मेरे पास 11.3 आएगा बच्चा, सो लेट मी राइट दैट, ये आ गया मेरे पास, ठीक है 11.3। एंड नाउ आई नो कि मेरा प्रिंसिपल कितना होता है, 100 का ही होता है, हम लोग हमेशा 100 लेते हैं, तो ये मेरे पास 100 में से ऐड कर दो, सो ये आ जाएगा दैट इज 100 प्लस 11.3, तो ये आ गया, दैट विल गिव यू इतना अमाउंट, उसने दिया आपको अमाउंट दैट इज 24486। नाउ सिंप्लीफाइड दैट इज 1% की मेरे पास जो वैल्यू, बिकॉज ये पर्सन थी मेरे पास, ठीक है 1% की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, दैट इज 220, तो मुझे तो 100% निकालना है बिकॉज प्रिंसिपल वॉज 100%, दैट इज 22000 एंड दिस इज योर आंसर। बच्चे वी आर डन विद दिस क्वेश्चन और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया, सिंपल सिंपल एवरी वन। देर इज वन मोर मेथड ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मेरे पास मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरे पास मेरा अमाउंट है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको मैंने करवाया हुआ है इन परसेंटेज चैप्टर, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, आप समझ जाओगे मैंने कैसे किया, ठीक है। तो 5% मेरा किसके इक्वल, दैट इज 1/20, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, दैट इज 20:21 लिख सकती हूँ। ऐसे ही 6% मेरा किसके इक्वल होता है, 3/50 के इक्वल होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 50:53, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सो यहाँ पे तो मेरे पास 1000 आ जाएगा एंड दैट इज यहाँ पे आएगा 1113 एंड दिस 1113 बिकॉज अमाउंट, तो अमाउंट हमने इतना रिसीव किया था, दिस विल बी इक्वल टू 24486। तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली, तो बस डिवाइड कर देंगे, तो 1 की वैल्यू आएगी यहां से मेरे पास 22, ठीक है ना। तो यहां से मुझे प्रिंसिपल निकालना है, सो इनटू 22 कर देंगे, तो आई विल गेट माय आंसर एंड एट दैट पॉइंट माय आंसर इज 22000 एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है बच्चों समझ आ गया, ग्रेट 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 लवली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये भी प्रीवियस ईयर का ही है SSC का, बट आई डोंट नो द ईयर विच इज ऑफ
तो मैंने प्रीवियस ईयर कर दिया, बट यस यू कैन चेक इट आउट, ये प्रीवियस ईयर में से ही उठाया हुआ है मैंने क्वेश्चन, ठीक है. सो अ इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हिज सेविंग इन द स्टॉक मार्केट, द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 12% एंड 9% इन द फर्स्ट ईयर एंड इन द सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली. इफ द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 years बिकम ₹97,664, देन हाउ मच हैड ही इन्वेस्टेड इन रुपीज, ये आपको निकालना है, ठीक है. दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, आपको एक तरीके का प्रिंसिपल ही निकालना है. तो पहले तो बच्चे क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं. सो 12% है एंड 9% है, तो वही फॉर्मूला अपना 12 + 9 + 12 × 9/100. सो 12 + 9 दैट इज 21, और ये कितना होता है बेटा, ये हमारे पास होता है 108, तो 1.08 ऐसा कुछ हो जाएगा. इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 08 और सॉरी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे डेसिमल थोड़ा, ये परसेंटेज का साइन बहुत अजीब सा हो गया था, दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट ट्राइंग टू इरेज दैट, ठीक है. तो यहाँ पे ये डेसिमल एज इट इज और यहाँ पे 22, तो ये आ गया बेटा मेरे पास मेरा इफेक्टिव रेट, ठीक है. सो नाउ दिस इज माय इफेक्टिव रेट, और मेरा प्रिंसिपल हमेशा 100 ही होता है. सो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा अमाउंट, दैट इज 122.08, और इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 97,664 बच्चे, ठीक है. इसकी वैल्यू मुझे ये दी हुई थी. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो आई विल गेट, यहाँ से मुझे 1% की वैल्यू निकल जाएगी. सो 1% विल बी इक्वल टू योर, दैट इज योर, यहाँ से मेरा आएगा 800, ठीक है ना. जस्ट रिमूव द डेसिमल, तो यहाँ पे 00 चले जाएगा, जस्ट रिमूव इट एंड यहाँ पे 00 आ गया, तो 1% मेरा आ गया 800. सो यहाँ से मेरे पास 100% बहुत इजिली निकल जाएगा, दैट इज योर्स. सो नाउ बस 100% की वैल्यू निकाल, तो दैट इज योर 80,000 एंड दिस इज योर आंसर बच्चा, दिस इज योर आंसर, ओके. सो इसी को हम अपना प्रीवियस जो हमने ये वाला मेथड था इसे भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने दो तरीके सिखाए थे ना, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया. सो दैट इज, ये हमारे पास जो एक मेथड था दिस, ओके ना, ये हमारे पास एक फर्स्ट मेथड आई कैन राइट एंड यू कैन राइट दिस एज सेकेंड मेथड. तो हमें याद रहेगा दैट यस हमने दो मेथड पढ़े थे. एंड ओवर हेयर ऑल्सो बच्चा आई विल डिफाइन दैट, ये मेरे पास हो गया मेरे पास मेरा फर्स्ट मेथड एंड दिस इज योर सेकेंड मेथड. जस्ट से देख लो, आपको जो भी समझ आए आप वो वाला कर सकते हो, जो भी आपसे जल्दी हो जाए यार. मेन हमारा एम है कि जो भी जल्दी हो जाए. तो पहले हमारे पास 12% है और फिर हमारे पास कितना 9% है. सो यहाँ से मेरे पास प्रिंसिपल और अमाउंट आएगा. सो 12% से कितना आ जाएगा, दैट इज अगर मैं देखती हूँ तो 12% से यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 25 से 28, और 9% से कितना, दैट इज 100 से 109, ठीक है ना. मैंने डायरेक्टली ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2500 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट 109 × 28, मल्टीप्लाई मत करो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी. और ये इसका अमाउंट मुझे दिया हुआ 97,664. नाउ ट्राई टू डायरेक्टली कट इट, ठीक है ना. नाउ ट्राई टू डायरेक्टली कट इट, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 32 से मल्टीप्लाई होकर. सो दैट इज बस यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, बाय 32 हमें मल्टीप्लाई करना है. वी विल गेट योर आंसर. सो हमारा आंसर आ जाएगा 80,000. आंसर बच्चा, इट इज योर आंसर. सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल. मैंने थोड़े बहुत इसके अंदर मेंस लेवल के क्वेश्चन दिए थे, प्रीवियस एसएससी मेंस का था ये भी क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एसएससी मेंस का ही था. तो लेकिन दोनों में ही अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है सो वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना. ये दिस फॉर्मूला वॉज वेरी इफेक्टिव फॉर्मूला है ये वाला. ये फॉर्मूला हमसे जैसे याद रखना यार, अगर आपको बाय चांस वो रेशियो सारी याद नहीं होती ना, तो ये फॉर्मूला काम आ जाता है, ठीक है, डायरेक्टली पुट करने के लिए. सो दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, ठीक है. सो प्लीज गाइस स्टे ट्यून मेरे चैनल पे बने रहने के लिए. थैंक यू एंड वी विल मीट विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. एंड आई होप कि दैट आप लोग सब अच्छे हो, अपना ध्यान रखिए, घर पे बैठ के आराम से पढ़िए. मैं आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर ही रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोज. थैंक यू, बाय बाय बच्चर्स. ओके, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट संडे विथ सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वीडियोज. थैंक यू, बाय बाय बच्चा.